बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो कल अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कू की करो कद्र के मालूम नहीं, चोर उचक्कू की करो कद्र के मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। नाज़रीन, हिंदुस्तान के शहर इंदौर से एक दिलदोज और दिल दहला देने वाली खबर जो है वो सामने आ रही है। उर्दू शायरी के और हिंदी शायरी के मशहूर हो मारूफ शायर जनाब राहत इंदौरी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कुछ रोज़ पहले राहत इंदौरी ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके ये बताया था कि वो कोरोना मस्बत हैं। उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया था जो मस्बत आया था, और उन्होंने सब लोगों से ये दरख्वास्त की थी कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं, जो भी लोग उनसे मिले हैं, वो सब अपना टेस्ट करवा लें और महफूज रहें। लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जो हॉस्पिटल से ख़बर मौसूल हुई है उनकी मौत का कारण कोविड-19 के असरात नहीं बल्कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। बड़ी ही दिलदोज खबर है, राहत इंदौरी को दिल का दौरा पड़ा है और वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। राहत इंदौरी जी वो शख्सियत हैं जिन्हें हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी उर्दू हिंदी पढ़ने या समझने वाले लोग हैं वो उन्हें जानते हैं और वो उनके दिल में बसते थे। सदाए पंजाल की पूरी टीम राहत इंदौरी की परिवार के साथ इस दुखद वक्त में उनके साथ है और दुआ गो है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए।